नमस्कार, आप देख रहे हैं डिजियाना न्यूज में मुजाहिद भारती, आपका स्वागत करता हूं। आइए रुख करते हैं आज दिनभर की खास खबरों की ओर। 28 नवंबर को गुना समेत संपूर्ण मध्य प्रदेश में मतदान होना है और जैसे जैसे यह तारीख नजदीक आ रही है, प्रत्याशी भाग दौड़कर अपने मतदाताओं को रिझाने के लिए लगे हुए हैं। इसी कड़ी में आज गुना विधानसभा क्षेत्र से कांग्रेस के उम्मीदवार चंद्र प्रकाश अहिरवार मतदाताओं को रिझाने निकले। आज कांग्रेस की तरफ से विकास नगर, बलवंत नगर एवं गुप्ता कॉलोनी में चुनाव प्रचार किया गया। साथ ही मतदाताओं से अपील की गई कि वह ज्यादा से ज्यादा कांग्रेस को ही वोट करें। विगत कई दिनों से शिकायतें मिलने के बाद आज जिला पंचायत सीईओ एवं एडीएम द्वारा जिला चिकित्सालय का औचक निरीक्षण किया गया। यह निरीक्षण रात 8 बजे किया गया, जिसके बारे में कोई भी पूर्व सूचना किसी को भी नहीं दी गई थी। शायद यही कारण रहा कि जिला चिकित्सालय में गंदगी चरम पर थी। वहीं एडीएम ने कई जगह पर गंदगी देखने के बाद सिविल सर्जन एसपीजीएन को समझाइश भी थी। इसी दौरान शौचालयों की गंदी स्थिति को देखकर भी उन्हें समझाइश दी गई। साथ ही मेडिकल स्टोर का निरीक्षण भी किया गया। वहीं अधिकारी बाहर रजाई गद्दे रखी होने वाली जगह पर भी पहुंचे, जहां पर शासकीय कैंटीन शुरू करने की बात कही गई। प्रायः देखा जाता है कि जिला चिकित्सालय में बजट का एक बड़ा हिस्सा सुरक्षाकर्मियों के वेतन पर जाता है, लेकिन सुरक्षाकर्मियों के नाम पर जिला चिकित्सालय में केवल इक्के दुक्के चेहरे ही दिखाई देते हैं। वहीं विगत कई दिनों से चोरी की घटनाएं भी जिला चिकित्सालय में बढ़ती जा रही हैं। सूत्रों के मुताबिक कुछ दिन पूर्व मेडिकल वार्ड में छत पर लगे पंखे भी चोरी हो गए हैं। वहीं अभी एक युवक ने विगत दिनों सर्जिकल वार्ड में आत्महत्या भी कर ली थी। इन सब बातों को अगर कड़ी से जोड़ा जाए तो यह कहा जाएगा कि जिला अस्पताल प्रशासन मुस्तैद नहीं है, और शायद जो प्रशासनिक अधिकारी हैं उन्हें जिला चिकित्सालय से कोई मतलब भी नहीं है। दुकान भी हो सकती मेडिकल ये तो खैर होता ही थे ना।
आरोन स्थित एमपीईबी के 33 केवी उपकेंद्र में प्राइवेट कर्मचारी झागर निवासी कल्लू शाकेवार की करंट लगने से मौत हो गई है। बताया जा रहा है कि कल्लू शाकेवार जब बिजली का काम कर रहा था तभी अचानक लाइट आ गई, जिसके कारण उसे करंट लगा और उसकी मौके पर ही मौत हो गई। मृतक के परिजनों का कहना है कि उक्त घटना उपकेंद्र के कर्मचारियों की लापरवाही के चलते हुई है। साथ ही मृतक के परिजनों का यह भी कहना है कि उन्हें विभाग अधिकारियों की ओर से किसी भी प्रकार की कोई सहानुभूति नहीं दिखाई दी गई है। अब देखने लायक होगा कि क्या विद्युत विभाग इस मामले में लापरवाही बरतने वाले कर्मचारियों पर कोई कार्यवाही करेगा या फिर मामले को रफा दफा कर दिया जाएगा। आरोन से हमारे सहयोगी चंद्रेश रघुवंशी की रिपोर्ट। आरोन करती थी, पुरानी सब स्टेशन पर काम करती थी, वो पुरानी सब स्टेशन पर काम करती थी और उनका जब उनको मतलब कि डीपी पर चल रही थी वो, तो वो प्राइवेट आदमी थी वो, तो उनको परमिट नहीं दिया गया था, उसके बाद में उन्होंने लाइट लगा दी और वो प्राइवेट आदमी थी। तो वो अब ये आता है कि इसमें प्राइवेट आदमी को ऊपर क्यों चढ़ाया गया। मेरे पिताजी करीब 45 वर्ष उम्र है, करीब इन्हें एक साल से ज़्यादा हो चुकी है आरोन में। ना कोई अधिकारी आया, ना कोई नेता आया, कोई भी नहीं आया देखने के लिए। ये जागर पे भी था, ये बाहर का काम था इसका, लाइनों पे अंदर का काम करता था ही नहीं, ये अंदर करंट लगा है। आरोन में इनको गए थे ये 8-9 महीने करीब, आपका नंबर नहीं लग रहा बिजली विभाग के कर्मचारियों का। ये आठ पूरी गलती है, सुबह से कोई वहाँ पर पहुँचा कोई है ही नहीं, वहाँ पे अभी हम तार पूरे खुले पड़े हैं, वहाँ पे कोई है नहीं, कोई नहीं। और उनको छोड़ने आए थे तो कोई साथ में भी नहीं आया, वो साहब का नंबर मांगते हैं तो कोई नंबर भी नहीं देता, वहाँ बोलते हैं कि जहाँ पर कोई है नहीं, उनकी कोई सुनवाई भी नहीं है। और उनको खाना बनाने के इन्होंने बुलाया था, चालू लाइट में उन्हें चढ़ाया था ऊपर, वापस लाइट जोड़िए, हम वहाँ पे भी गए थे तो कोई से नंबर मांगा तो नंबर भी नहीं दिया, वहाँ पे जो दादा रहते हैं उनने भी कोई नहीं सुनी। किसकी लापरवाही है अब ये जांच करके बताएंगे। भावेश में 3-4 ऐसी घटनाएं हुई हैं उसके बारे में, और कुछ लोग भी उस पर चढ़े हुए थे। अच्छा, तो पहले क्या हुआ बताना। पहली बात तो ये 3 घंटे लाश हुई, कोई भी अभी तक विद्युत मंडल का कोई भी कर्मचारी अभी तक नहीं आया। दल 4 विधानसभा क्षेत्र 31 राघोगढ़ द्वारा वाहन चेकिंग के दौरान लगभग 10 से 15 ग्राम स्मैक पकड़ी गई है। प्राप्त जानकारी के अनुसार रामनिवास मीना निवासी घिसिया खेड़ी कुमराज स्मैक बेचने कुमराज से आरोन जा रहा था, जिससे लगभग 10 से 15 ग्राम स्मैक के साथ एक मोटरसाइकिल, एक मोबाइल एवं 22,400 रुपए नकदी बरामद की गई है। स्मैक की कीमत लगभग 1 से 1.5 लाख रुपए के करीब बताई जा रही है। आज शहर में महिलाओं ने छठ पूजन सिंहवासा तालाब पर की। बता दें कि यह त्यौहार सूर्य एवं उसकी पत्नी उषा को समर्पित है, ताकि पृथ्वी पर जीवन अच्छे से निकल सके। छठ पूजा का अनुष्ठान काफी कठोर है। 4 दिनों तक मनाए जाने वाले व्रत पूजन में आमतौर पर महिलाएं ही हिस्सेदार होती हैं। यह पूजा मुख्य रूप से पूर्व भारत के बिहार, झारखंड एवं पूर्वी उत्तर प्रदेश और नेपाल के तराई क्षेत्रों में मनाई जाती है। आइए दिखाते हैं आज आपको छठ पूजा के कुछ अंश। बमोरी वन विभाग के एसडीओ ने प्राइवेट ड्राइवर को पहनाई खाकी वर्दी।
आपको बता दें कि एसडीओ डी के राजौरिया निर्वाचन आयोग में सेक्टर मजिस्ट्रेट भी हैं एवं सेक्टर मजिस्ट्रेट होते हुए खुद आचार संहिता का उल्लंघन भी कर रहे हैं। वहीं जब मामले के संबंध में मीडिया के द्वारा इनसे सवाल किए गए तो वे सवालों से भागते हुए नजर आए। वहीं अगर सूत्रों की माने तो यह ड्राइवर अवैध रूप से अपने पास हथियार भी रखता है। तो ये आपके ड्रेस कैसे लगा रखे सर? आरओ नगर में चल रही रामलीला में आज रावण अंगद संवाद का मंचन हुआ। साथ ही उक्त रामलीला में श्रीदास हनुमान रामलीला मंडल पर आज प्रभु श्री राम जी की भव्य आरती भी की गई। तत्पश्चात सभी दर्शकों को रावण अंगद संवाद का सुंदर अभिनय देखने को मिला, जिसमें सुंदर कलाकारों द्वारा मनमोहक अभिनय किया गया। वहीं नगर भर से हजारों की संख्या में श्रद्धालु रामलीला का मंचन देखने एवं धर्म लाभ प्राप्त करने के लिए आ रहे हैं। आरओ से हमारे सहयोगी मिथुन शर्मा की रिपोर्ट। हमसे मिलना चाहता है तो बहादुर उसके लिए आदर से लाया जाए। हाँ चलो, हमारे सरकार आपको बुला रहे हैं। आयो सिपाए दूध बहू बंदर, कौन है, कहां का है, क्या तेरा नाम है? सुनिए, जो दशरथ अजर प्यारी है, क्या लाते रघुकुल के भूषण है, रीजीती दिन पर सूप रखा, आरे दिन से खरौर दूषण है। फिर और ध्यान दे लो, तुम जिनसे प्यार बढ़ाए हो, मैं उन्हीं राव का सेवक हूँ जिनकी सीता महार लाए हो। हेलो, जी हाँ, ये बाली की कुशल सुना, इस समय बाली कहाँ है? वही कुशल पूछ लेना। गांग हो बंदर, हाँ पतला, क्या हुआ, कहाँ है बाली? रावणी मीला, आप उनके पास जाओगे तो वह सब कुशल सुनाएंगे, क्योंकि रामचंद्र जी से विरोध करने में क्या फल मिलता है आपको भली भांति समझा देंगे। अच्छा सुन, सभी कान और 20 नेत्र सुन, कठोर बंदर, ये तेरे कठोर पाप मैं इसलिए सुन रहा हूँ क्योंकि मैं नीति धर्म को भली भांति जानता हूँ। विजयाना न्यूज में आज बस इतना ही, कल फिर हाजिर होंगे, तब तक दीजिए इजाजत, नमस्कार।